हेलो एवरीवन, आज हम बहुत सारे टिप्स देखेंगे रिलेटेड टू आंसर राइटिंग। जब भी आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस शुरू करोगे एंड अगर आप ये सारे टिप्स को अप्लाई करते हो तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा एंड एट द एंड आपको जो है अच्छे मार्क्स भी मिलेंगे। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी हम आंसर राइटिंग करते हैं, जब भी हमें कोई क्वेश्चन दिया जाता है तो उस क्वेश्चन का आंसर करने का एक फिक्स पैटर्न है। वो चीज़ आपको कभी भी इग्नोर नहीं करना है। आप कोई भी कोचिंग ज्वाइन कर लो, आप किसी भी टॉपर से पूछ लो, आंसर लिखने का ये पैटर्न आपको इग्नोर नहीं करना है। एंड वो है कि जब भी आप आंसर राइटिंग लिखोगे वो डिवाइडेड होगा इंट्रोडक्शन में, बॉडी में एंड कंक्लूजन में। तो आपका आंसर जो है इस तीन पैटर्न को फॉलो करेगा। ओके, तो ये हमारे आंसर का तीन चीज़ हो गया, नंबर वन इंट्रोडक्शन एंड देन बॉडी एंड लास्ट में कंक्लूजन। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों को डाउट होता है कि जब इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं तो क्या ये ज़रूरी है कि हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन का हेडिंग दें एंड उसके बाद फिर इंट्रोडक्शन लिखें। तो जी नहीं, बिल्कुल भी ऐसा आपको नहीं करना है। आपको अपना आंसर इस तरीके से शुरू करना है कि जो इवोल्यूएट कर रहा है उसे पता चल जाए कि यह एक इंट्रोडक्शन है क्वेश्चन से रिलेटेड। एंड सेम अप्लाइज फॉर बॉडी एंड कंक्लूजन। आपको जो है हेडिंग दे करके कंक्लूजन या फिर बॉडी नहीं लिखनी है। ओके, बात करते हैं सेकेंड पॉइंट का। जब हम इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं तो हमें कुछ चीज़ों का ध्यान देना है। नंबर वन कि आप इंट्रोडक्शन में क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो डेफिनेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई क्वेश्चन दिया है सेक्युलर स्टेट से रिलेटेड या फिर यूनिवर्सल बेसिक इनकम से रिलेटेड कुछ इस तरीके का क्वेश्चन दिया है जिसमें कि डेफिनेशन लिखा जा सकता है, आप उस क्वेश्चन को स्टार्ट करोगे, आप उस आंसर को स्टार्ट करोगे विद द डेफिनेशन। ओके, ये बहुत ही अच्छा इंट्रोडक्शन है एंड आप जो है डेफिनेशन के थ्रू आंसर को स्टार्ट कर सकते हो। या फिर अगर कई सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें डेफिनेशन लिखना पॉसिबल नहीं होता है, फॉर एग्जांपल मेंस में ऐसा आ सकता है कि हेल्थ का क्राइसिस क्यों चल रहा था कोविड के दौरान, तो फिर अब आप हेल्थ का डेफिनेशन तो नहीं लिख सकते हो। तो फिर यहाँ पे जो है आप स्टार्ट करोगे अपने आंसर को विद द फैक्ट। ओके, फैक्ट का मतलब क्या हो गया, आप अपने आंसर में बताओगे कि इंडिया जो है अपने जीडीपी का इतना प्रतिशत जो है वो हेल्थ के ऊपर खर्च करता है। ओके, अगर आप इस तरीके से आंसर को शुरू करते हो तो बहुत ही अच्छा है। तो फिर इंट्रोडक्शन में या तो डेफिनेशन या फिर फैक्ट। अब हम आते हैं बॉडी के ऊपर, सेकेंड पार्ट है हमारे आंसर का बॉडी। बॉडी जो है सबसे पहले चीज़, बहुत लोग को डाउट होता है कि पैराग्राफ में लिखा जाए या फिर पॉइंट्स में लिखा जाए, तो वो आपके ऊपर है। बहुत सारे टॉपर्स जो हैं वो पैराग्राफ में लिखते हैं, बहुत सारे टॉपर जो है वो पॉइंट में लिखते हैं, तो वो आपके ऊपर है। लेकिन आपको ये चीज़ याद रखना है बॉडी लिखते समय कि आपको बहुत ज़्यादा लंबे वर्ड्स नहीं लिखने हैं, आपको अपने आंसर में इम्पॉर्टेंट डेटा, फैक्ट्स एंड कीवर्ड को यूज़ करना है। डेटा किस तरीके का, अगर मान लीजिए कोई हेल्थ रिपोर्ट आई है या फिर इकोनॉमी से रिलेटेड है तो कई सारे इंडेक्स रिपोर्ट आते हैं, आप उसको इंक्लूड कर सकते हो। कीवर्ड का क्या मतलब हो गया, देखिए किसी भी चीज़ को लिखने का दो तरीका होता है। नंबर वन, आप उसको बहुत बड़े में लिखो। फॉर एग्जांपल, हम जो है जो सोसाइटी के मेंबर हैं वो एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, सोशलाइज होते हैं, वो उनकी चीज़ों को देखते हैं, सीखते हैं, समझते हैं। आप इतना लंबा वर्ड लिख सकते हो या फिर सिंपली एक वर्ड सोशलाइजेशन लिख करके उस पॉइंट को वहीं पर ख़त्म कर सकते हो। क्योंकि UPSC मेंस का जो आंसर होता है उसमें एक लिमिट होती है वर्ड की, इसलिए आपको कीवर्ड पे फोकस करना है ताकि छोटा कीवर्ड हो और उसका मतलब जो है वो इंसान इजीली समझ जाए। ओके, तो आपके अपने आंसर में डेटा, फैक्ट्स एंड कीवर्ड को यूज़ करना है। थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि आप जब भी आंसर लिख रहे हो, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आप हेडिंग्स लिखो एंड उस हेडिंग का भी सब हेडिंग लिखो ताकि जो इवैल्यूएट कर रहा है उसे समझ में आ जाए कि आप किस बारे में बात कर रहे हो। ओके, तो आई होप कि आपको बॉडी वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया कि बॉडी किस तरीके से लिखनी है एंड बॉडी का इंट्रोडक्शन, यानी कि इस तरीके से बॉडी लिख के नहीं शुरू करना है, आपको सिंपली जो है पैरा या पॉइंट्स में लिखना है, डेटा इंक्लूड करने हैं, कीवर्ड्स इंक्लूड करने हैं एंड हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स में लिखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि हमारा थर्ड पॉइंट होता है आंसर राइटिंग में एंड वो होता है कंक्लूजन। कंक्लूजन लिखते समय आपको ध्यान देना है,
आपको इतना बेसिक वो होना चाहिए कि एज ए एडमिनिस्ट्रेटर आप जो है किसी के टूवर्ड्स बायस नहीं हो सकते हो, ओके। तो आपका जो कंक्लूजन होगा वो क्या होगा, वो बैलेंस होगा, ओके। एंड सेकंड थिंग, आपको नेगेटिव भी नहीं रहना है, आपको जो है पॉजिटिव लिखना है, ओके। अगर मान लीजिए क्रिटिकल इवोल्यूएट लिखा हुआ है तो आप जो है बैलेंस आंसर दे सकते हो, या फिर मैक्सिमम में आप पॉजिटिव नोट देने का कोशिश करो, ओके। आई होप कि मैंने आपको पॉइंट क्लियर कर दिया है कि कंक्लूजन या तो आप पॉजिटिव लिखोगे या फिर आप बैलेंस लिखोगे। इसके इन दोनों के अलावा आप नेगेटिव नोट पे अपने कंक्लूजन को ख़त्म मत करो, ओके। आई होप कि मैंने आपको बता दिया है कि आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस किस तरीके से कर सकते हो। अगर आप ये सारे पॉइंट अपने आंसर में इंक्लूड करते हो तो आई एम श्योर आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। एंड किसी भी चीज़ का जो सबसे ज़्यादा वेटेज है वो होता है डेटा एंड फैक्ट्स का। अगर आप जो है अपने आंसर को ऑथेंटिकेट नहीं करोगे किसी रिपोर्ट के थ्रू तो ये एक जनरल आंसर हो जाएगा एंड आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ओके। तो हम कल के वीडियो में डिस्कस करेंगे कि वेरियस टर्म्स लाइक इवैल्यूएट, क्रिटिकली एग्जामाइन, ये सारी चीज़ों का क्या मतलब होता है। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू सो मच।